फाइनली दोस्तों आज आपके सामने है 2022 की न्यूली लॉन्च रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का टॉप मॉडल। इस बाइक को 3 वेरिएंट और 7 कलर ऑप्शन के साथ न्यू लॉन्च किया है। इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, माइलेज कितना देती है, टॉप स्पीड कितनी मिलती है और इसके बेस मॉडल की और इसके टॉप मॉडल की डिटेल में ऑन रोड कीमत क्या है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक के फ्रंट प्रोफाइल से। तो इस बाइक का जो मीटर कंसोल है वो ऊपर की साइड में अटैच किया गया है और यहाँ पर आपको राउंड शेप में हेलोजन हेडलाइट आपको मिल जाती है ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर आपको छोटा सा हेलोजन का बल्ब और ऊपर में बड़ा बल्ब दिया गया है। सबसे पहले मैं इंजन को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। इंजन अभी इसका स्टार्ट हो चुका है और अभी आप इसकी हेडलाइट की लो बीम को देख पा रहे हैं। तो अभी मैं इसकी हाई बीम को भी यहाँ से ऑन कर देता हूँ और ये है इसकी हाई बीम, मतलब कि रात में अगर आप इस बाइक को चलाते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। हेलोजन यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। अगर आप इसमें LED वाले इंडिकेटर लगवाना चाहते हैं तो 4,500 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे LED इंडिकेटर लगवाने के लिए। तो इसके आगे वाला जो मडगार्ड है वो आपको फुली फाइबर बॉडी का मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। इसके आगे वाले टायर की जो मोटाई है वो है 110 mm की। इसके आगे वाले सस्पेंशन के ऊपर में आपको रबर गेटर मिल जाते हैं। 41 mm का टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन दिया गया है। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। 300 mm की यहाँ पर आपको डिस्क मिल जाती है ABS के साथ, जिसमें आपको वाइब्रे के कैलिपर, 110/70/17 का यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है और एलॉय व्हील के ऊपर में आपको रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाती है स्काई ब्लू और वाइट कलर के साथ। इस बाइक का जो एलॉय व्हील है वो 2 इंच छोटा है क्लासिक 350 से। इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस बाइक में नीचे में आपको ऑल ब्लैक कलर की थीम मिल जाती है। हंटर 350 को कंपनी ने सबसे सस्ती प्राइस रेंज में लॉन्च किया है, जिसकी मैं ऑन रोड आपको लास्ट में बता दूंगा। यहाँ पर आपको रॉयल का बड़ा सा ग्राफिक्स और रॉयल एनफील्ड की यहाँ पर आपको स्टिकरिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको मैट कलर मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर और पीछे में आपको वाइट कलर और यहाँ पर जो लाइनिंग मिलती है आपको स्काई ब्लू कलर के साथ। फुल मेटल बॉडी मिलती है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन में दिया गया है। इसके मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको वही मीटियोर 350 वाला ही सेम डिज़ाइन वाला यहाँ पर मीटर कंसोल दिया गया है। ऊपर में आपको स्पीडो मीटर मिल जाता है एनालॉग में और यहाँ पर आपको मिल जाती है टर्न इंडिकेटर, चेक इंजन की वार्निंग लाइट, ABS, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर और लो बैटरी और लो फ्यूल अलर्ट की वार्निंग मिल जाती है। डिजिटल फ्यूल गॉज मिल जाता है, यहाँ पर आपको ओडोमीटर दिया गया, यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, इको इंडिकेटर, यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है कि बाइक जो है वो कौन से गियर में चल रही है। यहाँ पर आपको मोड की बटन मिलती है जिसको अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप बे ट्रिप भी दिखाता है, किलोमीटर की रीडिंग भी देख सकते हैं। इसके साथ इसमें आपको इंजन हीटिंग टेम्परेचर की रीडिंग और इसमें आपको सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी काफ़ी अच्छे इसमें फीचर्स दिए गए हैं। प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की चाबी मिल जाती है, ब्लैक कलर की हैंडल बार मिल जाती है और इसके जो मिरर हैं वो आपको वही स्टैंडर्ड 350 वाले मिलते हैं। यहाँ पर आपको बटन, यहाँ पर आपको अपर डिपर के साथ पासिंग का बटन, इंडिकेटर, यहाँ पर हॉर्न भी इसका काफ़ी लाउड है और दूसरी साइड में आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल रहा है और नीचे में आपको तो अब मैं आपको इसके साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। तो दोस्तों आपको TVS रॉनेट और हंटर 350 दोनों बाइक में किसका साउंड बेहतर लगा जरूर बताएं। इसके सीट कंफर्ट की बात करें तो इस बाइक में आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की सीट दी गई है और पीछे में आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। इसके सीट के अंदर की जो कुशन है, जो फॉर्म है, वो काफ़ी मुलायम है, काफ़ी सॉफ्ट है। 800 mm की इसमें सीट हाइट दी गई है जो कि 5.25 फीट वालों के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। साइड बॉडी पैनल के ऊपर आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का स्टिकर और यहाँ पर आपको ब्लू कलर की लाइनिंग, फुल फाइबर यहाँ पर आपको बॉडी मिल जाती है, मेटल बॉडी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं की गई, यहाँ पर आपको लॉकर मिल जाता है। और इसके इंजन की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको ब्रेक पैड मिलता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पर ब्रेक पैड मिल जाता है जो कि एडजस्टेबल दिया गया है। इस बाइक में आपको किक नहीं मिलती है, इसमें मीटियोर 350 वाला ही इंजन दिया गया है। 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, 181 kg का कर्वेट है। इस बाइक का जो एग्जॉस्ट है वो यहाँ पर आपको फुल मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, जिसके ऊपर में आपको एग्जॉस्ट गार्ड भी मिल जाता है। इसके पीछे के एग्जॉस्ट की जो डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश है जो कि देखने में काफ़ी प्यारा लगता है। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 349.34 cc का एयर एंड ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-वाल्व SOHC-FI इंजन दिया है। ये इंजन 20.4 PS की पावर देता है 6100 RPM पर
और 27 Nm का टॉर्क पैदा करता है 4000 RPM पर। 114 किलोमीटर प्रति घंटे की इसमें आपको मिलती है टॉप स्पीड। इसके पीछे वाले सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो ट्विन ट्यूब इमल्सन शॉक एब्जॉर्बर विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड टाइप के सस्पेंशन दिए गए हैं। पीछे में आपको सीएट कंपनी के टायर मिलते हैं जो कि 140x70 सेक्शन का दिया गया है। 17 इंच का यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का एलॉय व्हील मिल जाता है। इसके जो दोनों टायर हैं वो यहाँ पर आपको ट्यूबलेस मिलते हैं। और पीछे में 270mm की डिस्क मिल जाती है। इसमें डुअल चैनल आपको ABS मिल जाता है जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा फीचर्स इसमें दिया गया है। पीछे का जो टायर की मोटाई है वो है 140mm की, जो कि पीछे से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर और इसकी जो टेल लाइट है वो आपको क्लासिक 350 वाले न्यू मॉडल की ही मिल जाती है। हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे में आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फाइबर का मडगार्ड दिया गया है। अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इस बाइक का जो मडगार्ड की जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जैसा कि आप इसकी दूसरी साइड प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। लेडी पिलियन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक कंपनी ने ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड दिया गया है। इस बाइक का जो चेनसेट कवर है वो यहाँ पर ओपन मिलता है फाइबर बॉडी का, और चेनिस पॉकेट जो सेट है वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अटैच किया गया है। एडजस्टेबल यहाँ पर आपको फुटरेस्ट मिल जाते हैं रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। 35 से 36 का इस बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगा। इस बाइक में आपको क्रैश गार्ड नहीं मिलता है। अगर आप अलग से लगवाते हैं तो 3,300 रुपये आपको अलग से पे करने पड़ेंगे क्रैश गार्ड के लिए। यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिल जाता है। इस बाइक में जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो यहाँ पर आपको वही क्लासिक 350 और मेटियोर 350 वाला ही सेम दिया गया है। यहाँ पर आपको 5 गियर का मैनुअल सेटअप मिलता है। इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं। साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर फीचर्स मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको अभी बता देता हूँ, इसका साइड स्टैंड को मैंने डाउन कर दिया, आप कंसोल में देख सकते हैं। बाइक न्यूट्रल में है। सबसे पहले बाइक को स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं इसमें क्लच को प्रेस करके गियर को डालता हूँ, इंजन तुरंत बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, जो कि सेफ्टी के लिए इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो अब बात करें इसकी डिटेल प्राइस की, तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 टॉप मॉडल की एक्स शोरूम कीमत है 1,68,900 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,97,345 रुपये। हंटर 350 फैक्ट्री सिल्वर फैक्ट्री ब्लैक बेस मॉडल एक्स शोरूम कीमत है 1,49,900 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,76,276 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है कोलकाता बाइक जॉन रॉयल एनफील्ड शोरूम चिनार पार्क कोलकाता शोरूम की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं किसी भी मॉडल की, तो आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें।